यूपी सरकार संक्रमण में लड़ाई जीतने का दावा कर रही है। सरकार की ओर से दावे किए जा रहे हैं कि राज्य में संक्रमण के मामलों में गिरावट होना शुरू हो गई है और प्रतिदिन मिलने वाले मामले 27,000 से कम बने हुए हैं। लेकिन सरकार के इन दावों पर बीजेपी के सांसद और विधायक ही सवाल उठा रहे हैं और अब मोदी सरकार के मंत्री ने ही सरकार के दावों पर सवाल उठा दिए हैं। तो क्यों सवालों के घेरे में है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, देखिए इस रिपोर्ट में। योगी सरकार का दावा है कि राज्य में स्वास्थ्य हालात बेहतर हैं, अधिकारी बेहतरीन काम कर रहे हैं, किसी को स्वास्थ्य संबंधी जरूरत हो तो उसके लिए फोन नंबर भी जारी किए गए हैं, अब फोन लगाएं और सेवा का लाभ उठाएं। सरकार का दावा है कि फोन नंबर 24 घंटे चालू हैं, लेकिन ये बात तो हुई सरकार के दावों। अब बात करते हैं विपक्ष की, तो उसका दावा है कि पूरा राज्य स्वास्थ्य मुसीबत से प्रभावित है। सरकार संक्रमण के आंकड़े छिपाने में जुटी है, टेस्टिंग कम की जा रही है ताकि ज्यादा संक्रमण की जानकारी लोगों तक न पहुंचे। संक्रमण गांव-गांव तक पहुंच गया है जहां टेस्टिंग ही नहीं हो रही है। विपक्ष की बात का समर्थन बीजेपी के नेता, विधायक और सांसद भी कर रहे हैं और अब केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश के बरेली से सांसद संतोष गंगवार ने भी योगी सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोल दी है। संतोष गंगवार ने योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। पत्र में गंगवार ने राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं पर जमकर निशाना साधा। संतोष गंगवार ने लिखा, अफसर फोन नहीं उठाते, अस्पतालों में यूज होने वाले मेडिकल इक्विपमेंट 1.5 गुना ज्यादा दाम पर व्यापारी बेच रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों को रेफरल के नाम पर इधर उधर घुमाया जा रहा है, उन्हें भर्ती नहीं किया जा रहा। गंगवार ने तो यहां तक दावा किया कि जिस बरेली से वो सांसद हैं वहां के स्वास्थ्य अधिकारी उनका फोन तक नहीं उठाते हैं। गंगवार ने कहा कि रेफरल होने के बाद मरीज को सरकारी अस्पताल में भेजा जाता है, उसे कहा जाता है कि दोबारा जिला अस्पताल में रेफर करवाया जाए। मरीज लगातार इधर उधर घूमता रहता है, उसकी ऑक्सीजन लगातार नीचे गिरती है, ये चिंता का विषय है। कई घटनाओं में मरीजों की जान भी जा चुकी है। गंगवार के खुलासे से साफ हो गया है कि उत्तर प्रदेश में संक्रमण को लेकर सरकार की तैयारियों में बेहद कमी है और उसके दावे जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाते। डीबी लाइव की रिपोर्ट।